राधे राधे फ्रेंड्स, राधा रानी क्रिएशन में आपका स्वागत है। चलो आज हम बनाएंगे बहुत ब्यूटीफुल सा ये फ्लावर। ये बनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप किसी भी पाउच में या रबर बैंड, हेयर बैंड, किसी भी चीज़ में आप इसको लगा सकते। चलो तो फिर हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने 9 बार इसे अपनी उंगली में इसे रोल कर लिया है। आप 9 बार ही करिए। उसके बाद आप निकाल के फिर हम क्रोशिया में इसके फंदे को हम फंसा लेंगे। ये देखिए, और हाफ सिंगल क्रोशिया। फिर उसके बाद हम एक चैन लेंगे। फिर यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया ही सारा पूरे सर्कल को हम बनाते जाएंगे। सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे फ्रेंड्स। ये फ्लावर आप किसी भी कलर में बना सकते हैं। ये बनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए, हम सारे सिंगल क्रोशिया ही बनाते जाएंगे। ये देखिए, ये बहुत आसान भी है। ये सारा हम सिंगल क्रोशिया बना के फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमारे सारे सिंगल क्रोशिया बन गए हैं पूरे सर्कल में। फिर हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे इसके एंड में। ये देखिए, यहाँ पर हम जो एक चैन लिया था उसी में हम इसे जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पे फिर हम 2 चैन लिया है हमने, ए 3 चैन लेंगे। एक पहले था, 2 ऊपर। फिर 5 बार हम इसे थोड़ा लंबा करके धागा लेंगे। आपको आप ऊन के अपने वूल के अकॉर्डिंग इसे कर सकते हैं। अगर आपकी वूल ठीक है तो आप 4 बार 3 बार ही लीजिए। हमारी ये वूल बहुत ज़्यादा पतली है, हम 5 बार। और फ्रेंड, इसमें ध्यान देना है, जो आप ये ले रहे हैं इसके धागा को आप पकड़ के रखिए। फिर उसमें ऐसे क्रोशिया को डाल के उसमें से भी आप एक फंदे को निकाल लीजिए। फिर यहाँ पे हम सारे को एक साथ ले लेंगे। फिर 3 चैन लेंगे। फिर उसको, वो जो हमने सारे फंदे लिए उसमें एक बचत, उसे हम इसे जॉइंट कर लेंगे स्लिप स्टिच से। यहाँ पे फिर हम 3 चैन लेंगे। ये देखिए, 1 2 3। फिर इसको भी हम इसी पे जॉइंट कर लेंगे वहीं पे। फिर यहाँ पे भी हम 3 चैन लेंगे, 1 1 2 एंड 3 3। फिर से भी हम वहीं पे जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए, यहीं पे। फिर 2 चैन लेंगे। ये 3 पर्ल बन के रेडी हो जाएंगे ऊपर। यहाँ पे 2 चैन, 1 2। फिर सेकेंड फ्लॉक कली हम बनाएंगे। वैसे ही आप उसके पूरे सर्कल के अंदर डालिए, फिर लंबा करिए। 5 बार हम इसे करेंगे, 4 1 5। फिर यहाँ पे फ्रेंड आपको ध्यान देना, ये जो क्रोशिया के पास धागे इसे हम पकड़ के रखेंगे। फिर उसे खींचेंगे। फिर उसमें से फिर हम क्रोशिया को डालेंगे, उसमें से भी 1 चैन लेंगे। फिर दोनों को एक साथ हम इसे जॉइंट कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमें 3 चैन लेना है। फिर नीचे ही हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे। ये देखिए, फिर यहाँ पे हमें 3 पर्ल बनानी है। ये हमारा पहला हो गया। अब दूसरा पर्ल बनाएंगे। 3 चैन ही लेना है फ्रेंड आपको। ये देखिए, 2 हो गए हमारे। यहाँ पे 1 2 3। फिर इसे भी हम जॉइंट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पर्ल बन गए हैं। फिर यहाँ पे हम 2 चैन लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए,
अब हम इसे आपको पूरा बना के दिखा, लास्ट वाला बना के दिखाते हैं। लास्ट में हम ये देखिए हमारी यहाँ पे 5 कलियाँ बन गई हैं, हमने यहाँ पे 6 कलियाँ इसमें बनाई हैं। यहाँ पे हम 5 राउंड लेंगे भाई ये लंबे से, यहाँ पे हम ये जरूर ध्यान देंगे यहाँ पे ये धागा हमें पकड़ के रखना है। हाँ इसे एक साथ लेंगे उसको छोड़ के, फिर इसमें से हम एक हाफ यहाँ पे भी हमने एक बार लेना है एक चेन, फिर उसके बाद दोनों को एक साथ लेकर फिर यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3 पर्ल बनाने के लिए। ये बनने पे बहुत सुंदर लगते हैं फ्लावर। ये देखिए फ्रेंड ये हमारे 2 पर्ल हो गए हैं। अब तीसरी बार हम बनाने जा रहे हैं और ये बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। ये हमने अपने पाउच के लिए बनाया था। ये देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे 1 चैन लेंगे, इसके बाद फिर जहाँ वहाँ पे 2 चैन लिया था फ्रेंड्स उसमें 1 2 काउंट करके तीसरे वाले में नहीं दूसरे वाले में हम इसे जॉइंट करेंगे। ये देखिए इसे हम जॉइंट कर देंगे और फिर लंबा करके धागा हम उसे कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स धागे को हम कट करके पीछे धागे को हम एडजस्ट कर देंगे ताकि धागा दिखे ना। ये देखिए पीछे आप क्रोसिया डाल के उसे एडजस्ट कर दीजिए। ये हमारा बन के फिर जो बचा हुआ धागा उसे हम कट कर देंगे। ये हमारे पर फ्लावर बन के रेडी है फ्रेंड्स। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा हमें। यहाँ पे हमने पाउच बनाया था उसी के लिए हमने ये रेडी किया था फ्लावर, 2 फ्लावर हमने रेडी किए थे। अगर आपको पसंद आया हो फ्लावर फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।